हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक और सोल्व असाइनमेंट। ये है BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। अगर आपने दोस्तों जुलाई 2021 में सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराया था तो असाइनमेंट आपके लिए है। अगर आपने जनवरी 2022 में सेकंड ईयर के लिए BAG में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। आप इन असाइनमेंटों को, अगर आपने जुलाई 2021 में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप इस असाइनमेंट को लिख करके, बना करके आप इसको क्या कीजिएगा, इस असाइनमेंट को आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा और आप अप्रैल मई 2022 तक, कह सकता हूँ जून में भी आप जमा कर पाएंगे अगर एग्ज़ाम थोड़ा लेट होगा वजह से। अगर देखेंगे तो कहीं कहीं आप जो आपने अगर जनवरी में लिया, जनवरी 2022 में लिया है तो आप इस असाइनमेंट को बना करके आप नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में जमा कर पाएंगे। आप दिसंबर के महीने में भी इस असाइनमेंट को जमा कर पाएंगे अगर आपने जनवरी 2022 में BAG सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट है सेकंड ईयर के लिए है, BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। काफ़ी दिनों से आपको इंतजार था इस असाइनमेंट को, तो असाइनमेंट हम लेकर के आ गए हैं। टोटल दस क्वेश्चन है। इसकी कई सारी क्लासेस हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी दोस्तों, कई सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, मैं पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो उससे भी आपको कहीं कहीं क्लासेस तो ज़रूर मिलती ही रहेंगी। तो कहीं कहीं हमारी क्लासेस को मिल जाइए और कहीं कहीं ताकि मैं आपको बेहतर पढ़ा सकूं। तो आसान सा सब्जेक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा कि आपको इस सब्जेक्ट के, इस जिसमें जो क्वेश्चन दिए गए इसके बहुत सारी, वो तो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे संप्रेषण की प्रक्रिया का विस्तृत विवेचना कीजिए, विविध जनसंचार माध्यमों को स्पष्ट कीजिए, आंगिक भाषा संप्रेषण कौशल का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए, सृजनात्मक लेखन की भाषा के विविध रूप पर प्रकाश डालिए, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं ये सब मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आपको क्लासेस में मैंने पढ़ा रखे हैं। तो आप हमारी क्लासेस में आइए, तो असाइनमेंट तो मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो असाइनमेंट है आप इसको मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ये जो PDF है आपको फ्री में दे दूंगा, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो आप इस असाइनमेंट को ले सकते हैं, कोई पैसा नहीं, ना कोई चार्ज मैं नहीं लेता, अपना पैसा अपने पास रखिएगा, आप उस पैसे से किसी व्यक्ति की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट से पैसा लेना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखिए, मेरा तो काम है पढ़ाने का, मैं तो आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप आइए क्लासेस में, आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प हो सके। और ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। इस जो BHDLA 137 है इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। जैसे पॉलिटिकल साइंस में आपका होगा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर सोल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं और कहीं कहीं मैं आपको पढ़ाता रहता। ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जो हमने कहीं कहीं छोड़ रखा, पढ़ाते भी हैं, असाइनमेंट भी बताते हैं, असाइनमेंट लिख करके भी दिखाते हैं, लिखा हुआ भी दिखाते हैं। आप हमारे अगर क्लासेस में आएंगे तो हम आपको वहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी देंगे, तो हम वहाँ पर क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी चलाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी आइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो असाइनमेंट को आपको देखिए, टोटल 10 के 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 क्वेश्चन मैंने लिखने का इसमें सोल्व असाइनमेंट है। अब असाइनमेंट को अच्छे से अच्छे लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन लिखोगे कितने नंबर का है, 20 नंबर का। देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो हम लिखते हैं 20 नंबर का होता है, आपको मिनिमम उसमें 6 पेज या 7 पेज लिखना होगा, कितना 6 या 7 पेज लिखना होगा, कितना दोस्तों लिखना, 6 या 7 पेज लिखना। आप लिखने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप असाइनमेंट को लिखने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। आप अपनी, आपके पास जो बुक्स हैं इग्नू की, आप उनसे हेल्प लीजिए। मिनिमम 6 या 7 पेज वन साइडेड जो सीट आती है, प्रैक्टिकल सीट, आप मार्केट में जाओगे ना, पूछोगे कि प्रैक्टिकल सीट दे देना, और आपको A4 साइज की प्रैक्टिकल सीट ले लीजिए, वन साइड ले लेना, एक तरफ जिस पे लाइनिंग होती है, एक तरफ प्लेन रहता है, तो प्लेन साइड पर आप फोटो का प्रयोग कीजिए, इमेजेस का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है। तो उसी प्रकार की चीज़ों का कहीं कहीं आप यहाँ पर प्रयोग कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। तो उसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये रहा तो 10 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 10 नंबर के जो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, लिखित भाषा के प्रकार को स्पष्ट कीजिए, प्रतिवेदन रिपोर्ट पर विचार कीजिए, व्यक्ति के लेखन के विभिन्न विधाओं को भाषा व्यष्टि का विश्लेषण कीजिए, समाचार की भाषा की क्या विशेषता होती है उदाहरण सहित बताइए। तो ये जितने क्वेश्चन हैं 10 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, इनके लिए क्या करना आप सभी ना, इनके लिए मिनिमम 4 या 5 पेज लिखना। कितना? मिनिमम 4 या 5 पेज, 4 या 5 पन्ने वन साइडेड ही लिखना ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें, आप असाइनमेंट में या आप क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों को गेन कर सकें। इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, जैसे व्यवसायिक पत्र, संवाद संप्रेषण एक सशक्त माध्यम है, भाषा का व्यवहारिक पक्ष और कार्यवृत्त, ये जितनी भी चीज़ें आप इसको मिनिमम 2 या 2 या 3 पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप इनको 2 या 3 पेज में लिखें ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं, देखिए दोस्तों अगर आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे मैंने बोला है लिखने का इतने पेज वन साइडेड पेज में लिखने का प्रयास कीजिए। इससे लिखने से क्या होगा, आपके 90+ नंबर आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? आपके 90+ या 90 से ज़्यादा आपके नंबर मिल सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग चलेगा तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको 90+ से कम नंबर मिलेगा नहीं, 91, 92, 95 या 96 तक या 7 तक भी आपको नंबर मिल सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। दूसरा, इमेजेस का प्रयोग, फ़ोटो का प्रयोग करिएगा। आप अपने थिंकिंग को नहीं, आप इसमें इमेज लगाइए, फ़ोटो लगाइए। जैसे संप्रेषण की प्रक्रिया है तो संप्रेषण कैसे होता है, उसका जो पूरी सारणी होती है, टेबल होती है, आप टेबल यूज कर सकते हैं, आप डायग्राम बना सकते हैं, आप फ़ोटो लगा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप खुद ही ड्राइंग बनाएं, आप गूगल से जा कर के आप कोई फ़ोटो निकाल लीजिए, आप सभी पेजेस पे आप फोटो यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका असाइनमेंट बहुत बेहतर असाइनमेंट बन जाएगा। आप बुक की भी हेल्प ले लीजिएगा, इससे असाइनमेंट आपका बहुत अच्छा असाइनमेंट बनेगा और कहीं के आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो असाइनमेंट को अच्छे से अच्छे लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें या आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों को गेन कर सकें। इस चीज़ें जो मैं बताता हूँ कहीं के, ताकि आपको ये असाइनमेंट सोल्व असाइनमेंट है, इसमें कई सारी चीज़ों को आप ऐड कर लीजिएगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे या आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। ये मेरा कहकर बताऊँगा तभी तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, नहीं तो आप शिकायत करेंगे दोस्तों कि आपने बताया भी, असाइनमेंट दिया भी, हमें ज़्यादा नंबर भी नहीं मिले। तो जैसे जितने मैं पेज बताता हूँ उसी प्रकार से कहीं कहीं लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। और असाइनमेंट को लाइटली लेकर कोई मत लिखना, असाइनमेंट के नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं और कहीं कहीं इस असाइनमेंट को लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा और असाइनमेंट को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो कीजिएगा, बनाइए और कहीं कहीं मैं आपको असाइनमेंट भी दिखाता हूँ कि हमने जो असाइनमेंट लिख रखा है। देखिए ये हैंड रिटन असाइनमेंट नहीं है दोस्तों, ये सोल्व असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रक्रिया पर विस्तृत विवेचना कीजिए। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को लिखिए और उसका आंसर लिखिए, क्वेश्चन आंसर को आप इसी प्रकार से कहीं कहीं लिखने का प्रयास कीजिएगा और पूरा असाइनमेंट आप देखिए। जैसे मैं इसे लिखा, जून माह में होने वाली परीक्षा के लिए आपको 30 अप्रैल, ये डेट एक्सटेंड भी हो जाएगी, आप अप्रैल के बाद मई और जून में भी जमा कर पाएंगे, और दिसंबर माह की परीक्षा के लिए यानी दिसंबर 2022 में जिनको एग्ज़ाम देना होगा उनके लिए 31 अक्टूबर ये डेट एक्सटेंड भी होती है, नवंबर दिसंबर में भी आप असाइनमेंट को जमा कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा और उसका फिर आंसर, सभी क्वेश्चनों को लिखे और सभी क्वेश्चनों को आंसर लिखे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ये जो असाइनमेंट है, मैं आपको पूरा असाइनमेंट दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो असाइनमेंट को देखिए और अच्छे से अच्छे असाइनमेंट को लिखे ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें दोस्तों, ठीक है। तो असाइनमेंट को देखते रहिएगा।